माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 14 में दिया है कि ए बी और सी डी केंद्र तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले जो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रम से दो चाप है। देखिए, ये एक चाप है और ये एक चाप है। इसकी लंबाई जो बड़े वाली चाप की है, ये इस संकेंद्र पर दोनों का केंद्र एक ही है, इसका और इसका। यहाँ से इसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है और ये छोटे वाले चाप तक की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ये इसमें दिया हुआ है। और ये जो कोण बन रहा है, ये है 30 डिग्री। और आपको क्या करना है, छायांकित क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी जो एरिया है ये शेडेड एरिया है, इसका करना है। तो आप क्या करो, पहले तो 21 सेंटीमीटर लंबे जो सेगमेंट है ये 30 डिग्री वाला, इसका एरिया ज्ञात कर लो। उसके बाद में आप 7 सेंटीमीटर लंबे वाले इस सेगमेंट का एरिया ज्ञात कर लो। तो 21 वाले में से 7 का घटा दो, तो जो आपका जो बचेगा वो बच जाएगा छायांकित क्षेत्र का, शेडेड एरिया का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपका पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप इस आंसर को तसल्ली से पढ़ लो, पॉज करके या स्क्रीन शॉट ले करके, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी के अंदर भी आपको सुविधा दी गई है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, पॉज कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट आपको है तो आप अपना वीडियो देखना जारी रखिए, हम आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका बताने जा रहे हैं। आ जाइए, देखिए, सबसे पहले आप बड़े सर्किल का निकालिए, सेगमेंट है यानी एक सर्किल जो है, इस सर्किल का ये सेंटर है, इस सेंटर का ये हिस्सा जो है ये है, ये जो पूरा जो एरिया दिया गया है, ये सर्किल इस तरह का है, इसका कोण 30 डिग्री है और इसकी जो त्रिज्या है वो 21 है। ठीक है, तो 21 त्रिज्या वाले सेगमेंट का लगाइए आप, तो सेगमेंट का पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, और सेगमेंट का क्या होता है, जितने डिग्री का कोण है उससे उसको गुणा कर देते हैं, 360 का भाग देते हैं। यानी आप यूं समझ लीजिए कि ये आपका 1/12 पाई आर स्क्वायर बटा 12 हो गया ये। तो आप वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 है और आर 21 है और आर का स्क्वायर 21 हो गया और नीचे क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। इसको काट दीजिए, ये 3 आ गया, ये इसको काटा 4 आ गया, इसको जो है 2 से काटा तो 2 आ गया, यहाँ आ गया 11। तो 11 × 21 कितना हुआ, 11 को मल्टीप्लाई को 21 से तो हो गया 231, नीचे हो गया 2। ये क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे सेगमेंट का एरिया हो गया। अब आप जो नीचे वाला सेगमेंट है यानी 7 सेंटीमीटर वाला है, इसी तरह से जैसे इसका निकाला है 7 सेंटीमीटर का निकाल लीजिए, तो क्या होगा, देखिए आपको बाकी वही रहेगा 22/7 इंटू यहां क्या होगा 7 × 7। ठीक है, त्रिज्या 7 है और वही जो है आपका 12 वाला 1/12 है, क्योंकि दोनों का संकेंद्र पे है, डिग्री 30 डिग्री का ही कोण है दोनों में ही, 21 वाले में भी और 7 वाले में भी, इसलिए इसको ऐसे कर देंगे हम, 7 से 7 काट देंगे और ये को 2 से काटा तो 11 हो गया, ये को 2 का काटा 6 हो गया, तो 11 × 7 = 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया छोटे वाले इस सेगमेंट का, और बड़े वाले का है ये, तो आप बड़े वाले में से छोटा वाला लेस कर दीजिए, 7 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या है वो वाला एरिया लेस कर दीजिए। एलसीएम लिया 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गया, 231 को 3 से गुणा किया तो आपका आया 693, और यहाँ 6 में से 6 का भाग दिया 1 बार आया तो ये 77, 693 में से 77 घटाया तो 616/6 आ गया, इसको 2 से काटा तो 3 हो गया, इसको 2 से काटा तो 308 हो गया, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, शेडेड एरिया जो है लाल रंग का, इसका क्षेत्रफल हो गया। पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर लिया, आशा है समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आपके लिए हमने जो पहले जो दिया था वो हम आपको यहाँ पर दोबारा देखिए, आंसर जो है लिखा हुआ, परीक्षा में कैसे लिखना है ये भी आना जरूरी है, हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन, खाली समझने से काम नहीं चलता है, आप उसको समझ करके पढ़ लीजिए हाउ टू राइट, और ये हिंदी वाले भी इसको समझ सकते हैं। क्लियर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।